नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, 99 सीटें मिली हैं कांग्रेस को, 100 अभी आंकड़ा पूरा नहीं कर पाई। लेकिन इसका लोग बोलते हैं, यार इतना कैसे पहुंच गया, ये तो 10 सीटों से कम रुकनी चाहिए थी कांग्रेस। अब तो ये बिल्कुल मेन स्टेज पे आ गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, 99 सीटें ले जो राहुल गांधी जीता है या उसकी पार्टी जीती है, कुछ भी कह लीजिए, अब ये होगा क्या, इसका फायदा क्या मिलने वाला है, ये भी आप समझिए। बहुत गहरी चाल है, या तो ये महादेव की तरफ से है या मोदी जी ने किया है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक पक्की बात है कि जो ये मूर्ख कांग्रेसी हैं, वो इस गधे को अब और घोड़ा बनाकर दिखाएंगे और इसे घोड़ों की रेस में इस गधे को दौड़ाया जाएगा। इसका हमसे ज्यादा जो फायदा है, हमारे से ज्यादा कौन ले सकता है, आप समझ सकते हैं। और 5 साल ये गधा वही काम करेगा जो ये पहले करता रहा। पहले भी बढ़ चढ़ कर बोलता था, हंसी अपनी उड़वाता था सारे देश से। अब ये और पागलों की तरह वहां बातें करेगा, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। और ये गधा गधों वाले काम ही कर सकता है, क्योंकि डीएनए ही गधों का है इसके अंदर। अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी का जो कद है, वैसे तो पद बोलना चाहिए था, कद है, वो मोदी जी से बेहतर है, क्योंकि मोदी जी 1.5 लाख सीटों से वोटों से जीते हैं, ये 3 लाख के वोटों से जीता है। अगर ऐसा ही आंकड़ा करना है तो इंदौर में जो बीजेपी का आदमी है वो तो 11 लाख वोटों से जीता है, तो क्या उसका जो कद है वो राहुल गांधी, मोदी और सबसे ज्यादा हो गया? तो ये जो कांग्रेसी हैं, ये गधों वाली बात ही कर सकते हैं। इसका फायदा हमें मिलने वाला है, वो कैसे? अब आप देखिए, जो हिंदू है, हिंदू सबसे ज्यादा आज अंदर से रो भी रहा है, कोस भी रहा है अपने आप को कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, मोदी जी को वीक कर दिया। और उसका नतीजा क्या हुआ, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमारे जो जा रहे थे, वैष्णो देवी जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, पूरे बुरी की बुरी बस खाई में गिरा दी। बाकी जगह पर लड़कियों को उठाया जा रहा है, यूपी के अंदर इनकी बदतमीजी बढ़नी शुरू हो गई है, इन्होंने अपना डीएनए दोबारा से दिखाना शुरू कर दिया और लोगों को बोलना शुरू कर दिया, अब तुम्हें मोदी और योगी बचाने नहीं आ सकते, कहां जाओगे। ये जब चीज लोग देखते हैं तो असर पड़ता है। 99 सीटें जीतने का ये फायदा भी हुआ है कि ये सारे कॉकरोच दोबारा से बाहर आ गए, जो ये लोग बोलने लगे थे कि अब ये बंदे थे पुत्र बन रहे हैं, नहीं बन सकते। मैं बार बार बोल रहा हूं, चाइना को आज 15 साल हो गए इनको इंसान बनाने की कोशिश करते करते, नहीं बने हैं। अल्टीमेटली इनका पेस्ट कंट्रोल ही करना पड़ा और कोई इलाज ही नहीं था। अगर भाई ऐसा ही इलाज होता तो अमेरिका, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, वहां पर इनको बंदे का पुत्र बना सकता था। उन्हें मालूम था ये नहीं बनेंगे। और ये चीज अब यहाँ के भारत के लोगों को समझ आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। 99 सीटें जैसे ही कांग्रेस की आई हैं, ये सारे उछलने लग गए हैं। रिटर्न गिफ्ट इन्होंने हिंदुओं को देना शुरू कर दिया है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब वीक गवर्नमेंट है। कल मैं आरजू के साथ शो कर रहा था, आरजू ने भी यही बोला कि हमारे यहां पर ये बातें आ रही हैं, अब मोदी जी कड़े फैसले नहीं ले सकते, हम अब आराम से 5 साल सो सकते हैं, मोदी विल नॉट बी एबल टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। आप देखते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये हमारे दुश्मनों को आराम से सोने के लिए मजबूर कर देंगी, और हमारे यहां पर जो सनातनी हैं अब ये इकट्ठे होने शुरू होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी संकेत है हमारे लिए। और इस चुनाव में मैंने एक और चीज देखी है कि जो है दक्षिण, साउथ इंडिया, उसके अंदर वोट शेयर बड़ा है बीजेपी का, और ये भी गवाही है कि हमने, अगर उन्होंने यूपी का किला के दरवाजे खोल दिए तो हमने साउथ के किले के जो दरवाजे थे वो भी खोल दिए हैं। अब कर्नाटक के अंदर तो बीजेपी पहले से थी, लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इवन केरला में पहली बार एक सीट ली है। ली तो सही, बिरला मंदिर की वहां पे घंटियां तो बजनी शुरू हुई, और ये अब इंक्रीज होती रहेंगी, क्योंकि हमारे एक बिरला मंदिर की घंटी जो है वो इतने तंग कर रही है कि वहां पे कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और वहां पे पत्थरबाजी भी करी, भी यहां का जो बीजेपी का आदमी है वो जीत कैसे गया। ये सनातनी ऐसे ही होते हैं, जहां जाएंगे अपने मंदिर की घंटियां बजाएंगे और उनकी पैंट गिली होती रहेगी और पीले से पीछे से पीली भी होती रहेगी।
और तमिलनाडु में। आप देखिए कई जगह पर सिर्फ इसलिए हारी है बीजेपी क्योंकि कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन था। लेकिन क्या ये आपको लगता है कि गठबंधन लंबा चल सकता है? नहीं चल सकता, क्योंकि पप्पू कोई चीज चला ही नहीं सकता, गधा गधा ही रहेगा। और इसलिए जो बीजेपी है वो अपना आराम से काम करते जा रही है और ये करती भी जाएगी, क्योंकि 47 का जो प्लान आरएसएस ने बनाया था 2014 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ है, वो इतना लंबा चलती है आरएसएस। और पप्पू को तो ये नहीं समझ आता कि रात को मैंने आलू खाया था, सुबह सोना कैसे बन गया। तो ये बड़ा फर्क है, इसलिए इन पप्पुओं को 99 सीटें जो जीते हैं इनको इसके ऊपर ही जश्न मनाने दीजिए। और ये पार्टी कौन सी है? सबसे पुरानी पार्टी है भारत की, 404 सीटें आई थी इनके पास, पूर्ण बहुमत था, 2/3 मेजोरिटी थी। आज 99 सीटें आई हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि गवर्नमेंट बना ली हो। और मैंने सुना कि जो मोदी जी हैं वो नई पार्लियामेंट में गए थे और ये पप्पू पुरानी पार्लियामेंट में चला गया कि मैं तो यहीं पे गवर्नमेंट बना लूंगा अपनी। तो ये जो जश्न मना रहे हैं ये बनाने दीजिए, ये दिखाता है ये कितने दिवालिया हो चुके हैं कांग्रेसी है। और इनके समर्थक भी, और भाजपा के जो समर्थक हैं वो 240 सीटें लेकर भी रो रहे हैं और ये 99 सीटें लेकर जश्न मना रहे हैं जैसे कि गवर्नमेंट बन गई है। अब आपको सनातनियों सिर्फ आंखें खोलकर आपको देखना है कि आपके सामने विपक्ष है कौन। राहुल गांधी विपक्ष नहीं है दोस्तों, ये कॉकरोच मुसलमान जो है ये आपके विपक्ष हैं आज की डेट में। और आज भी आप समझ नहीं रहे, और चंद्रबाबू नायडू ने तो बोला था और सारे ऑपोजिशन ने कि हम जो जो आदमी हज पे जाएगा 1-1 लाख रुपए देंगे उनको, और जब 50 साल की उम्र हो जाएगी उसके बाद उन्हें पेंशन देनी शुरू कर देंगे। हिंदुओं को नहीं बोला, मुसलमानों को बोला है। तो विपक्ष ये कॉकरोच बन गए हैं आपके, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। और अब आगे की जो कोई भी इलेक्शन होंगे उसमें एक ही काम करना है सनातनियों को, जिस तरह से वो 95% बाहर निकलकर वोटिंग करी है, हमें भी बाहर निकलकर अब ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी है। ये जो छोटे छोटे दल हैं इन्हें साथ में मिलाकर जो मोदी जी कर रहे हैं अब करते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है रीजनल पार्टीज को अब एक एक करके खत्म किया जाएगा ताकि ये सारे साथ में जुड़े, पहले भी जुड़े थे, कंपटीशन ही ना रहे। और इस इलेक्शन में अगर आपने देखा होगा, इट वाज राहुल गांधी वर्सेस मोदी, इट वाज देश वर्सेस एंटी नेशनल्स, और कांग्रेस अब हमारे अगेंस्ट खड़ी भी नहीं हो सकती, प्रतिद्वंदी है ही नहीं। आपको बस एक ही काम करना है मोदी जी को, कि किस किस के साथ मिलाएं हाथ और उन्हें अपने साथ जोड़ते रहे, इस संगठन को बड़ा करते रहे, ताकि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की तरफ ये कंट्री चला जाए, दो पार्टी सिस्टम ही रह जाएगा। उसके बाद फिर सत्ता आपके पास ही रहेगी, क्योंकि सनातनी अब मुझे नहीं लगता कांग्रेस को वोट करेगा। अब आते हैं 2029 पर। कई लोग बोलते हैं मोदी जी बड़े सॉफ्ट हैं, इन्हें हार्ड होना चाहिए। बिट डीएनए होता है हर एक चीज का। मुझे नहीं लगता मोदी जी हार्ड स्टेप लेने वाले आदमी हैं, लेकिन हाँ जो आगे का आदमी आएगा वो हार्ड लाइनर होगा। लेकिन क्या उसका फायदा है या नुकसान है वो भी समझा देता हूं आपको। जब हमने मंथन किया सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि कई इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारी बातें भी होती हैं उनसे, तो उन्होंने बोला कि 2029 के इलेक्शंस, 34 के इलेक्शन और भी खतरनाक होने वाले हैं। वो क्यों? क्योंकि 29 और 34 में वो लोग वोट करने आएंगे जैसे 2024 में करने आए थे, जिन्हें ना तो 26/11 के बारे में मालूम है, ना वक्फ बोर्ड के बारे में मालूम है, ना कांग्रेस की गंदी हरकतों के बारे में मालूम है जो कांग्रेस ने पिछले 75 सालों से इस देश में हिंदुओं के साथ किया। वो देखते हैं आज के नैरेटिव, आज के यूट्यूबर्स जिन्हें वो सुनते हैं और अपना मन बनाते हैं। आपने 2024 के इलेक्शन में देखा, ध्रुव राठी हो, रविश कुमार हो, इन सबके नैरेटिव्स को स्पिन किया गया, स्प्रेड किया गया, और हमारा जो नया वोटर था वो भ्रमित भी हो गया। दैट मीन्स कि ये इन लोगों को अगर वो देखेंगे कि भी सपोजिंग अमित शाह हैं, योगी जी हैं, अगर ऐसे प्रधानमंत्री होंगे बीजेपी के, वो अगेंस्ट चलेंगे कि ये तो हर जगह पे बुलडोजर चलाते रहते हैं,
बहुत हार्ड लाइनर हैं, हमें सॉफ्ट आदमी चाहिए, राहुल गांधी बहुत सॉफ्ट है, उनके दिमाग में राहुल के लिए प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स आपको एक बार सॉफ्ट आदमी है, अगली बार हार्ड, फिर सॉफ्ट लेकर आना पड़ेगा। अब सॉफ्ट में कौन है? अब आप बोलेंगे जयशंकर बड़े सॉफ्ट हैं। ओ भाई चपा तो तमाचा है, वो ऐसा मारते हैं अमेरिकन को जाकर, ब्रिटिशर्स को जाकर, कि उनके मुंह से जो उंगलियों के निशान है वो खत्म ही नहीं होते। वो भी हार्ड लाइनर है, सॉफ्ट नहीं चलने वाले। योगी जी भी हार्ड है। अब आप बोलेंगे सॉफ्ट में तो नितिन गडकरी है, ज्योतिराव सिंधिया है, लेकिन क्या वो प्रधानमंत्री के बनने के लायक हैं? मुझे नहीं लगता। बाकी आपका क्या कमेंट है सिंधिया जी के लिए, नितिन गडकरी के लिए, आप लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे हार्ड और सॉफ्ट का जो ये कॉम्बिनेशन है प्रधानमंत्री बनने का, ये बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा होना चाहिए। मोदी जी बहुत सॉफ्ट चले हैं, उसकी प्राइस भी पे करी है आपने। इसलिए अगर 29 में हमें हार्ड लाइनर चाहिए तो 34 में हमें सॉफ्ट लाइनर भी चाहिए होगा। इसी तरह से सत्ता आप लेते रहेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये ना हो कि अगर हार्ड लाइनर की अगर लाइन देखें तो बीजेपी के अंदर हार्ड लाइनर्स की कमी नहीं है। मैं मंत्रियों को मिलता हूं, मुझे मालूम है उनकी हार्ड लाइन कितनी है। चप्पल हाथ में रख के चलते हैं वो, जो मिला मुंह में मारा। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो इन चीजों को पसंद नहीं करती। जो नई पीढ़ी है वो ना तो मनमोहन सिंह को जानती है, वो सिर्फ मोदी काल को ही देखती है। और उसकी तुलना किसे करेंगे? मोदी 1 की मोदी 2 के साथ, अब मोदी 3 के साथ। तो लेकिन जो हमारी जनरेशन है वो हार्ड लाइनर पसंद करती है, क्योंकि हमने सॉफ्टनेस वाला काम मनमोहन सिंह वाला देखा हुआ है, नरसिम्हा राव वाला देखा हुआ है। इसलिए आप सब अभी से तैयारी शुरू कर दें 2029 की, क्योंकि देखते देखते ये 24 से 29 भी निकल जाएगा। और ये गधा राहुल गांधी ये ऐसे ही नाचता रहेगा टांगे के पीछे, क्योंकि टांगे के आगे इसको लगा नहीं सकते, इसको टांगे के पीछे ही लगाया हुआ है। और ये सारे गधे जितने भी कांग्रेस के हैं वो इस टांगे के पीछे, गधे वाले के पीछे उसके साथ जुड़े हुए हैं। जुड़ने दीजिए, हमें अच्छा है, क्योंकि जितना ये गधा आगे रहेगा उतना हमें फायदा भी मिलता रहेगा। बट आपको लगता है ये राह जो है हमारी आगे इतनी आसान रहने वाली है? ऐसा भी नहीं है। अब इसमें प्लान क्या है महादेव का? देखिए, जब आप कांटों में से निकल के जाते हैं तभी आपकी पहचान भी होती है। कल भी मैं एक बाबा जी रामदेव जी हैं, जो रामदास हैं, उनके साथ शो कर रहा था, हरिमोहन के साथ, ही वॉज सेइंग कि डगर अब आसान नहीं है, मुश्किल होगी, हम भी समझते हैं। लेकिन जो इन डगर में से निकल के जाएगा वही सोना भी बनेगा। इसलिए अब ये टेस्ट मोदी जी का भी है, हम सनातनियों का भी है, कि अब हम आगे अपने गवर्नमेंट के साथ, अपने देश के साथ कैसे खड़े होते हैं, कैसे लोगों को जगाते हैं। मैं तो ये काम करता जा रहा हूं और ये करता रहूंगा, ये भी वादा है मेरा। जब तक मेरे अंदर ये हिम्मत है, ये मेरी हिम्मत ऐसे कम होती नहीं है, मेरा DNA है, जो लोग मुझे जानते हैं दे नो माय परसिस्टेंस, मैं पीछे हटने वाला बंदा ही नहीं हूं। और ये काम मैं करता रहूंगा, ये मुहिम छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन बस आपका साथ चाहिए, आपका साथ, पैसों वाला साथ नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे। साथ चाहता है एक ही चीज का, लोगों को जगाने का। आप सिर्फ लोगों को जगाएं, जो सुनते हैं टच करता है लोगों को बताएं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आपको कि मेरी वीडियोस को स्प्रेड करो, मतलब नहीं मुझे। आप लोगों को चिंगारी से चिंगारी जोड़ते रहिए और ये हम देश को बचा लेंगे। और हमारी खुश नसीबी है कि हमारे पास ऑपोजिशन है ही नहीं, अगर है तो गधा राहुल गांधी की फॉर्म में है। बाकी तो जेल में है, ये भी जेल में जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। लेकिन जब तक इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है आपने बना दी 99 देकर, वरना 24 के इलेक्शन के बाद ये परमानेंटली जेल में होता अगर इसकी इंपॉर्टेंस जीरो होती। अब इसकी इंपॉर्टेंस आ गई है क्योंकि 99 सीट्स आ गई है। इसे थोड़ी देर और इसे चैन से घूमने दिया जाएगा, टांगे के पीछे बांधकर बांधे रहने दीजिए। और ये टांगा है कांग्रेस नाम का, जो बूढ़ा हो चुका है, बेकार हो चुका है, इररिलेवेंट है। आप सोच के देखिए 99 सीटों पर इनको लगता है हमने गवर्नमेंट बना दी, वो सीट, वो कांग्रेस जो कभी सत्ता का सुख लेती थी। जय हिंद, वंदे मातरम, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मोदी जी की गवर्नमेंट बन चुकी है।